एक लास्ट हिट और ये खत्म है, बस 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 अपना काम हो गया और हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं जहाँ पे मैंने अपने एनिमल बार्न को छोड़ा। और क्या हाल है सभी के, वेलकम सबका माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज एपिसोड 6 में फ्लैशबैक। तो पिछले एपिसोड में तुम सबने देखा कि मैं अपने घर से निकल गया था एनिमल बार्न को बनाने के लिए अच्छा खासा रिसोर्स कलेक्ट करने, जिसके लिए मैंने पहले पेड़ काटे, लॉग्स इकट्ठी की, साथ ही मेरे को सैंड चाहिए थी ग्लास बनाने के लिए। और जब मैं सैंड निकाल रहा था तभी मेरे को मिल गया एक बड़ी ट्रेजर, साथ ही मेरे को और ऐसे ट्रेजर्स मिले जिनका सामान को मैंने ले जाके अपने घर के अंदर रख दिया। एंड एट द एंड ऑफ द एपिसोड मैंने अपने फार्म की सारी सारी वीट को काट कर कलेक्ट कर लिया अपने चेस्ट के अंदर। और अब आगे एंड ऑफ फ्लैशबैक। एक और नई सुबह, एक और नया दिन। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ एनिमल बार्न को बनाने के लिए जो जो सामान मेरे को लगने वाला है वो सारा का सारा सामान मैं अपने पास रख लेता हूँ, जैसे कि वुड वगैरह और सारे के सारे टूल्स जितने भी मेरे को चाहिए वो सारे मेरे पास में रख लेता हूँ। The next morning. All right, तो सारे के सारे टूल्स मैंने अपने पास रख लिए हैं। अब मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ सैंड निकाल लेता हूँ, उसे फर्नेस में डाल के उसे स्मेल्ट करना स्टार्ट कर दूंगा जिससे मेरे को मिल जाए ग्लास। साथ ही मेरे पास कोल ही पड़ा हुआ है तो मैं आपके पास कोल लगा दूँ क्योंकि वुड्स की जरूरत मेरे को खुद है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 कोल तो पड़ा हुआ है, अब 2 हो गया। अब मैंने बाकी बचे 12 कोल भी 15 कोल इसके अंदर डाल देता हूँ तो 17 कोल यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ चलते हैं बाहर और देखते हैं कि मैं किस जगह बना रहे अपना एनिमल बार्न। तो मैं पहले सोच रहा हूँ कि यार देखो हमारे फार्म से जो हमारे घर का रास्ता जा रहा है इसमें पूरे 6 ब्लॉक का डिफरेंस है। तो दूसरी तरफ भी मैं सोच रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेट आई थिंक कैलकुलेशन लगा के थोड़ा जोड़ घटा के मैं अपने आप को सोच रहा हूँ कि 6 ब्लॉक का डिफरेंस इधर भी रख के एक अच्छी जगह में अपना एनिमल बार्न बनाया जाए। A lot of boring math later. तो पहले मैं यहाँ पे एक पाथ बना लेता हूँ, उसके बाद अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं एनिमल बार्न को बनाने का। What follows is a brief construction montage. We hope you enjoyed this brief construction montage. ओके गाइस, तो तुम सनराइज के मजे लो और मैं इस क्रीपर से निपटता हूँ। भाई देखो मेरा गेम अच्छा खास चलता है लेकिन ये क्रीपर पता नहीं कहाँ जाते। पहले मैं शॉट ले लिया अपने पास और मेरे को पहले इस क्रीपर को मारना है। मेरे को लगा है पेड़ का फंसा हुआ लेकिन ये तो मेरे पीछे ही आ गया। अब मेरे को ना चाहते हुए पानी में जाना पड़ेगा क्योंकि पानी में जाऊँगा तो मेरे को डैमेज नहीं पड़ेगा और ये फटेगा भी तो मेरा कोई सामान भी गिर जाएगा। भाई इसने मेरा घर तोड़ा है, मेरा फार्म तोड़ा है और अब मैं नहीं चाहता कि मेरे एनिमल बार्न का जो डिज़ाइन है उसे भी तोड़ दे तो ये अच्छा हो यहीं मर जाए। तो पहले एक फटका लगा इसके, ओके एक और बस आगे आ जाइए। मैं चाहता हूँ कि मैं मार दूँ इसे, ये फटे ना वही ज़्यादा बेटर होगा। ओके नहीं 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 पीछे ही आ जाओ भाई, फटने वाला था अभी। एक लास्ट हिट और ये ख़त्म है, बस 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 अपना काम हो गया और वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं जहाँ पे मैंने अपने एनिमल बार्न को छोड़ा था।
2 hours later. Okay, so finally, इतनी देर के बाद हमारा एनिमल बार पूरी तरह तैयार हो गया है. बस अब अपने को यहाँ पे एनिमल लाने हैं. साथ ही मैंने जी छत बनाई है, वो बनाई है ग्लास की ताकि अंदर लाइट आती रहे. बाकी रात के लिए मैंने यहाँ पे टॉर्चेस भी लगा दिए हैं दो, साथ ही चेस्ट भी रख दिया है. बस अब इसमें एनिमल लाने हैं मेरे को. उसके बाद अपना एनिमल का फूड वगैरह का काम भी यहाँ हो जाएगा. साथ ही मेरे जो फार्म में वीट होगा वैसे भी मैं यहाँ से हटा लेता हूँ फटाफट सा. ओके, अब जो वीट बचा है वो सारा मैं अपने कंपोस्टर वाली मशीन में ला देता हूँ, जिसको मैं थोड़ा सा अपग्रेड कराया. मैंने इसके ऊपर चेस्ट और होपर और लगा दिया ताकि ऑटोमेटिक हो जाए. मेरे को ऊपर सीट डालने हैं और देखो यहाँ पे अपने आप से ही सारा का सारा वीट नीचे आना शुरू हो गया है. मैं सीट नीचे आने शुरू हो गए हैं. अभी जाके बच जाएंगे बोन मीट. देखो मैं तो चेक करके दिखा भी देता हूँ एक बार. यहाँ से मैं इसे ट्रैप डोर को यहाँ से ओपन करता हूँ और अब चेस्ट को ओपन करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें. इसके अंदर बोन मील आना स्टार्ट हो गया है. देखो यहाँ पे हो रहा है अपने पास 5 या 6 बोन मील हो रहा है. यहाँ पे क्लियर पता ही चल रही है, वाइट है बोन मील भी. ओके, 5 बोन मील है मेरे पास अभी. ठीक है, तो ऐसे हमारा बोन मील इसके अंदर कलेक्ट हो रहा है. इसे बंद कर देता हूँ मैं यहाँ से. ओके, तो यार देखो हमारा एनिमल बार बन के तैयार है. बस अब इसमें एनिमल ले आऊँगा मैं और अगले एपिसोड में. ओके, तो मेरा तो आज का हो गया. अब तुम लोग अपना देख लो. बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. साथ ही तुम कमेंट में बता सकते हो कि तुम्हें अगले कौन सी वीडियो देखनी है. मिलता हूँ तुमसे अपनी एक नई वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.